बच्चों, मैं सुनीता बेलवाल नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ और क्लास फिफ्थ का चैप्टर थ्री जिसका नाम है द रेट एंड द एलिफेंट्स यानी कि चूहे और हाथी। बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, क्या हम सभी एक आकृति के या एक आकार के हैं? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? तो बच्चों हम सब अलग अलग आकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं, कोई मोटे होते हैं तो कुछ पतले होते हैं। कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिग एनिमल, और क्या कोई छोटा जो जीव होता है क्या किसी बड़े जीव की मदद कर सकता है? तो बच्चों हाँ, वो उसकी मदद कर सकता है। जैसे कि चींटी छोटी होती है वो हाथी को भी मार सकती है, या फिर जो हाथी नहीं कर सकता यानी हाथी किसी रस्सी को जल्दी से नहीं काट सकता और चूहे उसे काट सकते हैं। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? और हमें अपने छोटे भाई बहनों की मदद करने के लिए भी कहा जाता है, हम उनकी मदद करते भी हैं। हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू, और आप उनकी मदद कैसे करते हैं? तो बच्चों हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर की इस पार्ट में देखेंगे और इन्हीं प्रश्नों को समझेंगे कि एक छोटा जानवर होता है वो किस प्रकार एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है, और हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए, हमारे छोटे भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। और इसमें ये भी बताया, मतलब पूछा गया है कि क्या हम सबकी आकृति एक जैसी है? तो नहीं, हम सबकी आकृति एक जैसी नहीं है, हम कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है और कोई पतला है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ पढ़ना। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, मतलब बहुत समय पहले एक चूहों का झुंड जो था वो कहाँ रहता था? खुशी से एक जंगल में रहता था, यानी बहुत सारे चूहे एक जगह खुशी से जंगल में रहते थे। वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, और एक बार क्या हुआ, एक हाथियों का झुंड पानी की तलाश में उस जगह से जहाँ पर चूहे रहते थे वहां से गुजरा। Many homes of the rats were destroyed, और जो चूहों के बहुत सारे घर थे वो नष्ट हो गए, मतलब जो हाथी थे बच्चों उनके बड़े बड़े पैर जो उन चूहों के घर पे पड़े थे उनके बिल जो थे वो टूट गए, यानी कि जो चूहों के घर थे वो नष्ट हो गए। Under their big feet, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े पैर थे उनके जब छोटे छोटे घरों पे पड़े यानी कि छोटे छोटे बिलों पे पड़े तो वो टूट गए। Some rats were also killed, और बहुत सारे चूहों यानी कि कुछ चूहों की भी मौत हो गई उन हाथियों के पैर के नीचे आ जाने से। The king of rats, और चूहों का जो राजा था उसका नाम था मूषक राज, यानी चूहों का जो राजा था मूषक राज went to the king of elephants, यानी जो चूहों का जो राजा था मूषक राज वो कहाँ गया? हाथी जो था उनके राजा के पास गया, उसका नाम क्या था? गजराज। And requested him to take his herd through another route to the pond, कि वो अपना जो रास्ता है तालाब पर जाने का या पानी की खोज के लिए जाने का वो रास्ता बदल दे या दूसरे रास्ते से चले जाए। He accepted the requested and told the elephants to take the other way. और जो हाथियों के राजा जो गजराज जो थे उन्होंने सारे हाथियों को आदेश दिया कि वो अपना रास्ता दूसरी जगह से चुन ले, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ते में जो चूहों के घर पड़ते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो चूहे होते हैं उनकी मौत हो जाती है, और वो बिना चूहों को डिस्टर्ब ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उन्होंने उसकी जो प्रार्थना थी वो मान ली और वो उन्होंने उनको आदेश भी दे दिया कि वह अलग रास्ते से जाए विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट, और चूहों को बिना डिस्टर्ब किए हुए यानी बिना परेशान किए हुए वह पानी की तलाश में दूसरे रास्ते से चले जाए। मूषक राज वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, और मूषक राज जो थे वो गजराज कौन था बच्चों? जो हाथियों का राजा था, मतलब हाथियों के झुंड का जो मुखिया जो राजा था उससे जो मूषक राज यानी जो चूहों का राजा था वह बहुत खुश हुआ। He thanked him and promised, उसने उसे धन्यवाद दिया और प्रॉमिस यानी कि वादा किया, एंड प्रॉमिस उसने वादा किया दैट द रेट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। उसने उसे मतलब थैंक यू किया, उसे धन्यवाद दिया और बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि मैं मतलब हमारे जो चूहे हैं जो अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ी तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. और चूहे की ये बात यानी जो मूषक राज जो थे मतलब जो चूहों के जो राजा थे उनकी यह बात सुनकर
हाथी जो सात हाथियों के जो झुंड में जो बहुत सारे हाथी शामिल थे वो हंसने लगे कि देखो ये जो चूहा है ये कितना छोटा सा है और ये हमारे पास मदद मांगने के लिए आया है और फिर भी हमें ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आपको कभी हम आपकी मदद जरूर करेंगे अगर आपको हमारी कभी आवश्यकता पड़ी तो। After a few months, मतलब कुछ महीनों बाद, one fine day, मतलब एक दिन, मतलब कुछ महीनों बाद में, एक दिन when the rats were playing, मतलब जो चूहे थे वो खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. और जो उन्होंने मतलब उन्होंने सुना कि तालाब की तरफ से यानी जहाँ पर हाथी पानी पीने जाते थे वहाँ उस तरफ से हाथियों की आवाज सुनी, मतलब चूहों ने बच्चों खेलते हुए जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने सुना कि तालाब की तरफ से हाथियों के झुंड की आवाज आ रही है। मूषक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, और जो मूषक राज जो था जो चूहों का जो राजा था उसने महसूस किया कि जो हाथी है वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. और जो मूषक राज जी थे उन्होंने महसूस किया कि उधर से आवाज आ रही थी और वो जो हाथी हैं वो किसी मुसीबत में हैं, तो उन्होंने मतलब कुछ चूहों को जो उनके झुंड में थे या उनके बहुत बहादुर जो चूहे थे उन्हें आदेश दिया कि वे उस तरफ जाए और देखे कि ये आवाज कैसे आ रही है और कहां से आ रही है और क्या संभावना है क्या परेशानी है। Near the pond, मतलब तालाब के पास, they saw the elephants caught in the traps. और जो चूहे थे जिनको मूषक राज ने भेजा था वहां पे देखने के लिए तालाब में क्या परेशानी है, तो उसने देखा कि जो हाथी थे वो एक जाल में फंसे हुए हैं कि by some hunters, और जो शिकारियों ने फैला रखा है उस जाल में वो फंसे हुए हैं। The rat quickly started biting the rocks with their sharp teeth. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो तालाब के पास गए और उन्होंने देखा कि जो हाथी थे वो एक जाल में फंसे हुए हैं। किसके जाल में, एक जो शिकारी होते हैं उनके द्वारा बनाए मतलब जाले गए जाल में, उन्होंने जो जाल डाल रखा था उसमें वे फंसे हुए हैं। और बच्चों उन चूहों ने क्या किया जिनको मूषक राज जी ने मतलब तालाब के पास देखने के लिए भेजा था, उन्होंने क्या देखा कि जो हाथी थे वो जाल में फंसे हुए थे, किसके शिकारियों के जाल में फंसे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, द रैट्स क्विकली, उन्होंने जल्दी जल्दी स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, उन्होंने जल्दी जल्दी उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया विद देयर शार्प टीथ, मतलब उसके नुकीले नुकीले जो दांत होते हैं चूहों के उनसे उन्होंने उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्दी ही वह आजाद हो गए, मतलब जो हाथी थे वो जल्दी ही आजाद हो गए यानी उस शिकारी के जाल से निकल गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड आल्सो फेल्ड सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ, उन्हें अपनी जो गलती थी उस पे खेद महसूस हुआ हाथियों को कि उन्होंने जो चूहे की मतलब छोटी आकृति के लिए मजाक बनाया था। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पार्ट द रैट्स एंड द एलिफेंट, तो बच्चों इससे हमने क्या सीखा कि जो हमें किसी की छोटी आकृति या बड़ी आकृति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटा सा जीव भी किसी बड़े जीव के काम आ सकता है या कभी कभी जो छोटा सा जीव जंतु होता है वो किसी बड़े बड़े जीव की भी मदद कर सकता है, जैसे कि हाथियों की मदद की चूहों ने। चूहों की आकृति की अपेक्षा जो हाथी होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने इसका मजाक बनाया और जब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे तो छोटे से चूहे ने छोटे छोटे चूहों ने उस जाल को काटा और उन्हें शिकारियों से आजाद कराया। तो हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चों अब हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स ग्लोसरी यानी कि इसके शब्दकोश, जो कठिन शब्द आते हैं वो पढ़ेंगे। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप यानी कि जानवरों का झुंड। डेस्ट्रॉय, टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड यानी नष्ट कर देना। रूट, वे रास्ता। प्लीज, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड खुश। प्रॉमिस्ड, टोल्ड समवन दैट यू वुड सर्टनली डू समथिंग यानी वादा किया। शाउट, अ लाउड क्राई ऑफ एंगर
फियर ऑफ और एक्साइटमेंट, चिल्लाने की आवाज, रियलाइज, टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, समझना, डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, यानी कि डायरेक्शन, द जनरल पोजीशन अ पर्सन और थिंग मूव्स और पॉइंट्स टुवर्ड्स, यानी दिशा, ट्रैप यानी कि जाल, पीस ऑफ और इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पकड़ने का मतलब पिंजरा या जाल या पिंजरा, हंटर यानी शिकारी, अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि शिकारी। तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमें कभी भी किसी को छोटे आकार का या बड़ा आकार का या किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी की आकृति का, कलर का, रंग का, हमें कभी किसी तरीके का किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो काम कर दिखा देते हैं जो कभी बड़े बड़े जीव भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।